तब तक आए तो फिर आज आप लोग गेट पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लेकर, क्या हुआ सर? हम लोग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से बहुत नाराज हैं, क्योंकि देखिए हम लोग 2019 में मेरिट में आए हुए हैं कैंडिडेट एसटीटी पास मेरिट में, और चार साल से हम लोग गर्दनी बाग में मार खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और हम लोग चार साल से मेंटली एकदम डिस्टर्ब है सर। फिर भी देखिए अब सरकार जो है दिलासा देती रही, सरकार जो है हम लोग को आश्वासन देती रही कि आपका अब हो जाएगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। तेजस्वी यादव जब थे तो वो भी बोले कि हम युवा के सरकार बनेंगे, हम अब जब आ जाएंगे, सरकार बन जाएगी हमारी, तो हम आप लोग को पहला कलम से जो है नियुक्ति कर देंगे। उनका भी जो है वादा झूठा रह गया। अब जो है नीतीश कुमार जो निकाल दिए कि नहीं है सबको जो है कि बीपीएससी से आना होगा, ठीक है बीपीएससी से आना होगा, बिहार के लोग बाहर जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है अदर स्टेट के लोग जो है मतलब अदर स्टेट को भी शामिल कर लिया इस एग्ज़ाम में। अब बताइए 1,70,000 की अभी वैकेंसी निकली थी, मात्र 1,20,000 स्टूडेंट पास हुए हैं, और मेरा कहना ये है कि इसमें बहुत धांधली हुआ है सर। हम लोग BC2 की महिला अभ्यर्थी जो है कि हम लोग का जो है ना कि पूरा सीट खाली है, BC2 में तो लगता है किसी का ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ, लगता है कि सर कॉपी चेक ही नहीं किए हैं BC2 में, और जो है कि हम लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं धरना सरकार के पास अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए कि हम लोग को महिला बिहार कि हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, हम लोग एसटीटी मेरिट लिस्ट में हैं, तो हम लोग का जो है कि जो सरकार बोले कि 75% सीट को जो है ना कि हम फुलफिल करेंगे जितने कैंडिडेट आएंगे, और जितने फिर नहीं आएंगे तो उनको बिना कटअप के ही हम सीट फुलफिल कर देंगे। तो सर बताइए जितने को, जैसे उर्दू में हम लोग का 2300 सीट था, 1612 महिला को ले लिया गया है, और बाकी जो सीट जो है कि खाली रह गया तो सरकार से मेरा यही रिक्वेस्ट निवेदन है कि जो सीट बचा हुआ है, जो जेन्युइन कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में है, महिला अभ्यर्थी हैं, बिहार की महिला है सर, बहुत हम लोग बहुत बहुत दर्द हम लोग के दिल में भरा हुआ है सर। तो सरकार को हम लोग पे थोड़ा सा दया करके कटअप को हटा के जितनी भी महिला हैं उनको जो है कि उर्दू में BC2 में सीट को फुल किया जाए सर, सीट बहुत खाली है, बचा के क्या करेंगे वो सर बताइए। चार साल से हम लोग बहुत परेशान, और इसके लिए सर हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए हैं कि जो दोबारा मेरिट लिस्ट हम लोग का सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए, और जिनका 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से है सर उनको दिया जाए। कहाँ से आए हैं? हम फुलवारी शरीफ से आए हैं सर। क्या है आपके पास? मेरा सेकेंडरी में है 9th में, और मेरा 45 आ रहा है, जबकि सोशल साइंस से जबकि कहा गया था कि 32% पर होगा महिला बिहार की कैंडिडेट का ली, और उससे तो मेरा 45 अच्छा ज़्यादा नंबर है, बट मेरा नहीं मेरिट लिस्ट में आया है नाम। कहना ये है कम हमसे कम नंबर का, यानी कि 42 नंबर में हुआ है और मेरा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ है। तो उनसे निवेदन है अतुल प्रसाद जी से, उन्होंने कहा था कि अगर हमको कैंडिडेट 75% नहीं मिलेगा तो हम अर्हता 5% कम करके जाएंगे, यहाँ तो कट ऑफ से आगे हैं, बट फिर भी उन्होंने बिहार की महिलाओं को नहीं लिया, उन पर उनका 35% रिजर्वेशन था, भी उनका भी उन्होंने अनुपालन नहीं किया है, और अदर स्टेट की यूपी की झारखंड की महिलाओं को लगभग 10,000 को यूपी झारखंड के लोग को ले लिए हैं, और 40% यानी 40,000 वो नियोजित शिक्षक को भी इसमें शामिल कर लिए, इंक्लूड करे हैं, लेकिन बिहार की महिलाओं को जो उन्होंने कहा था कि अर्हता से हम कम चले जाएंगे 5% कम कर देंगे, लेकिन यहाँ लोग उनका कट ऑफ पार कर चुके हैं तो भी उनको मेरिट लिस्ट जारी नहीं करा। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट जारी करें, सेकंड मेरिट लिस्ट जिसमें हम लोग अगर जिसका महिला कैंडिडेट का 2-3 नंबर से छूटा भी है तो उसको मेंटेन करके उसको दिया जाए, इसी में सीट फुल फिल किया जाए। अभी सीट हम भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा राइट है, हम लोग ये भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से कि हाँ हम लोग को नंबर दीजिए, ये हमारा राइट है, हम लोग अपने राइट के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। हम लोग का यही मांग है कि जो बात आप बोले हैं आप अपने बात पे कायम रहिए, अपने बात से मुकरिए मन। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ लफ्जों में ये बात बोले थे कि जिसका 1-2 नंबर कम आएगा उसको ग्रेस देंगे, तो जिसका 1-2 नंबर कम आ रहा है उसको ग्रेस देके आप फुल कीजिए सीट को, सीट बहुत सारे हैं और स्टूडेंट कम पढ़ रहे हैं, तो फिर ये काहे के लिए? विद्यालय में जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो क्यों खोले हुए इतना सरकारी विद्यालय?
कहाँ से आए हैं? हम यही पटना से आए हैं और ए स्टेट 2019 में मेरिट अभ्यर्थी हैं। 9-10 में अभी बीपीएससी का हम दिए हैं माध्यमिक में, तो मेरा 38 आ रहा है। पहले मेरा 47 आ रहा था, उसके बाद ये आंसर की जो रोज़ नया निकलता गया उसमें से कम होते होते मेरा आ गया 38। तो जब मेरा 38 आया है तो अतुल प्रसाद जी का ही बात बोल रहे हैं, वो ग्रेस क्यों नहीं दे रहे हैं। 39 में ऑल सब्जेक्ट से महिला को 39 में उठाया जा रहा है, तो जब 38 है तो इनको ग्रेस देना चाहिए। तो हम लोग ग्रेस के लिए आए हैं, हम लोग को सेकेंड लिस्ट जारी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।